Hi guys, welcome to another lecture. बच्चों my name is Aryan and आज का लेक्चर जो आप सबके लिए होने वाला है दैट इज क्लास 8 NCERT. इससे पहले हमने चैप्टर 1 जो कवर करा था, ठीक है, एंड अब चैप्टर जो मैं आपके लिए चैप्टर 2 आपके लेके आया हूँ दैट इज पोम आंट एंड द क्रिकेट. ठीक है, इस आंट एंड द क्रिकेट के अंदर मैं आपको इस पोम के बारे में पूरी समरी समझाने वाला हूँ. ठीक है, कैरेक्टर स्केच आपको बताने वाला हूँ. कैरेक्टर स्केच अगर की बात करें तो बेटा इसके अंदर दो कैरेक्टर्स बहुत मेन है जिसके ऊपर पूरी पोम बेस्ड है. पहला है आपका आंट, ऑब्वियसली, ठीक है. सेकंड इज क्रिकेट. क्रिकेट इज ऑल्सो एनिमल. ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट वो बल्ले वाला क्रिकेट नहीं है, दैट इज अ क्रिकेट. उसका नाम है, एनिमल का नाम है. ठीक है, क्रिकेट ऑफ बैट्स आपने सुने होंगे. ठीक है, वो चाहे टू लेग भी होता है, सम ऑफ द क्रिकेट्स आर ऑल्सो फोर लेग्ड ऑल्सो. ठीक है, यहाँ ऑथर ने बताया है. ऑथर का नाम है इसोप, ए साइलेंट है. ठीक है, पोएम का जो स्टाइल है बच्चों, वो पोएम का स्टाइल लिखा गया है इन द वे ऑफ फेबल. फेबल क्या होती है? फेबल इज अ पोम विच इज रिटन इन द पोम रिटन बाय द ऑथर विच हैज अ कैरेक्टर्स फॉर एनिमल्स. ऐसी पोम, ऐसी स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एनिमल्स होते हैं. ठीक है, अगर लर्निंग की बात करें, लर्निंग हम पोम की आखिरी में याद करेंगे, व्हाट इज द लर्निंग ऑफ दिस पोम. ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. से पहले अगर मैं अपनी बुक अपनी उठा लूँ, आप लोग भी अपनी बुक उठा लीजिए. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा ये दिस आंट एंड द क्रिकेट पोम का टाइटल. ये बोलती है, सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड द स्प्रिंग. ठीक है, जहाँ हमने अगर मैं बात करूँ तो ये पहला देखो इसका समराइजेशन पहले आपको बताया था. ये पोम क्या है? पोम इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द टू कैरेक्टर्स आंट एंड द क्रिकेट. आंट क्या है? जो अब चींटियां जो होती हैं गर्मी के मौसम में खाना इकट्ठा करना ठंड के लिए स्टार्ट कर देती हैं. क्रिकेट जो है, क्रिकेट बेसिकली यहाँ पर पहले ही पैरा से गा रहा है, वो नाच रहा है, इंजॉय कर रहा है वेदर को, स्प्रिंग को. ठीक है, पर आंट जो है उसी टाइम पे खाने को इकट्ठा कर रही है. ठीक है, ही इज बरिड अबाउट द फ्यूचर बट द आंट बट द क्रिकेट इज वेरी फ्री हैंड. उसको कोई परवाह नहीं है कि भाई आने वाला भविष्य कैसा होगा मेरा, आने वाले में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. उसको कोई इतनी किसी चीज़ की चिंता नहीं है, वो अपनी फ्री हैंड की तरह उड़ रहा है. ठीक है, गा रहा है, नाच रहा है पिच पहले पैरा में. ठीक है, पूरे गे ऑफ मतलब पूरे समर को एंजॉय कर रहा है, थॉटफुल तरीके से एंजॉय कर रहा है ब्राइट समर्स को. ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अचानक से विंटर बढ़ने लगती है. ठीक है, जैसे ही क्रिकेट देखता है कि मेरी कबर्ड में तो खाना ही नहीं है क्योंकि मैंने इकट्ठा नहीं किया. अब क्रिकेट बहुत चिंतित हो जाता है, चिंतित भाई अब क्योंकि ठंड बढ़ रही थी, चारों तरफ स्नो पड़ गई थी और स्नो में ना तो एक पत्ता दिख रहा है ना खाने को, उसकी कबर्ड जो शेल्फ है वो खाली पड़ी है. अब इस शेल्फ पर परेशान होकर सोचता है मैं करूँ क्या, अगर मुझे अचानक से खाना नहीं मिला तो मैं तो भूख के कारण मर जाऊंगा. अब इस भूख के कारण को मरने के लिए वो करता क्या है, आंट के पास जाता है. आंट से कहता है कि हे आंट, जस्ट लाइक एन रिक्वेस्ट, कि आंट प्लीज हेल्प मी, माय शेल्स आर ओपन, मेरे पास खाना नहीं है, तुम मुझे हेल्प कर दो कुछ खाने की, मैं तुमसे कोई मांग नहीं रहा, मैं तुमको लौटा दूंगा. पर आंट कहती है कि भाई जब तुम्हें कहा था कि तुम खाना इकट्ठा कर लो उस टाइम तुम गा रहे थे, नाच रहे थे, तुम्हें परवाह नहीं थी. ठीक है, तो आंट जो चींटियाँ होती हैं वहाँ पे ऑथर ने बोला है कि चींटियाँ हैव अ आंट्स हैव अ नेचर, ना तो वो किसी से कोई उधार लेती हैं ना किसी को उधार देती हैं. ठीक है, नाइदर दे बोरो नॉट दे लैंड. ठीक है, अब वो उसको कह देती है कि तुम जाओ अभी भी जाओ, धक्का मार के गेट के बाहर फेंक देती है आंट अपने घर से कि तुम जाओ अभी भी जाओ, तुम अभी जाके नाचो गाओ, हम ऐसे उधार नहीं देते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक आंट का सेल्फलेसनेस नेचर भी दिखाया है कि वो कैसे सेल्फिश होती है. ठीक है, उसके बाद स्टोरी यहाँ पे वो पोम जो होती है वो लास्ट में एंड हो जाती है कह के कि भाई हाउ दीप द वर्ल्ड इज सेल्फिश. पर वो सेल्फिशनेस क्योंकि क्रिकेटर की गलती थी यहाँ पे. ठीक है, क्रिकेट की मिस्टेक्स की वजह से उसने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, जिसकी सफरिंग उसको उठानी पड़ी. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले पैरा टू पैरा मैं आपको समझा देता हूँ, तो जस्ट टेक योर पेंसिल. फर्स्ट पैरा स्टार्ट्स विद अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग. अकस्टम का मतलब होता है हैबिट ऑफ सिंग. वो छोटा वो नादान क्रिकेट, उसको गाने की आदत थी. थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे, गे इयर्स इज अ ब्राइट समर एंड द स्प्रिंग, बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वर एम्प्टी. अब उसको कंप्लेन होने शुरू हो गई थी कि उसकी कबर्ड जो थी वो सारी एम्प्टी थी, उस पर कोई भी खाना बचा नहीं था, बिकॉज उसने जब खाना इकट्ठे करने का टाइम था उसने खाने को इकट्ठा नहीं करा. नॉट अ क्रम और टू बी फाउंड, कोई भी एक टुकड़ा भी नहीं बचा है. क्रम का मतलब है बताया टुकड़ा. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुल्ड ही सी on a leaf or a tree. पूरे चारों तरफ बर्फ है, ना एक पत्ता दिख रहा है, पूरे चारों तरफ बर्फ है, खाना तो बहुत दूर की बात है. Oh, what will become the says the cricket of me? अब क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा?
मैं इस सफरिंग को कैसे बचूं, ठीक है। ऑन द लास्ट बाय स्टार्वेशन फेमाइन मेड बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब लास्ट में आप देखोगे आपके लास्ट में फेमाइन का मतलब दे रखा है। फेमाइन इज हैविंग अ मीनिंग ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द फूड। वो कह रहा है एट लास्ट बाय भूख के कारण मेरे पास खाना नहीं है, मुझे उसने ताकतवर बना दिया है। मैं वो भीगता हुआ, अब उसको मतलब बारिश हो रही है बहुत तेज, वो भीगता हुआ निचड़ता हुआ ठंड ठिठड़ता हुआ आंट के दरवाजे पर नॉक करता है, मिसरली आंट, ठीक है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ठिठुर रहा है, ठीक है, ठंड लग रही है बहुत तेज, ठीक है। ही सेट ऑफ टू द मिजरी आंट, वो मिजरी आंट मतलब लाइक एन सिली आंट को मतलब नॉक करता है कि हे हाय आंट, ठीक है, टू सी हिफ कीप हिम अलाइव ही विल गार्ंट हिम शेल्टर फॉर द रेन। ना उसके पास रहने के लिए कोई जगह है, ना उसके पास बैठने के लिए कोई जगह है, वो सिर्फ एक जगह बैठा हुआ है। मतलब वो ये कहता है कि आंट अनाइन, मेरे पास ना खाना है ना मेरे पास जगह है रहने की। वो कहता है कि तुम मुझे एक माउथफुल ऑफ ग्रेन दे दो, माउथफुल मतलब द फूड सफिशिएंट फॉर द इंसेक्ट्स। माउथफुल का मतलब यहाँ पे दे रखा है द फूड विच इज सफिशिएंट फॉर द इंसेक्ट्स। ही विश्ड ओनली टू बोरो, हीड रिपेड टुमारो, ही विल रिपेड टुमारो। कह रहा है कि मुझे तुमसे उधार लेना, मैं कल तुमको लौटा भी दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई, अगर तुम मुझे ये उधार नहीं दिया तुमने तो मैं भूख के कारण ही और दुख के कारण ही मर जाऊंगा, ठीक है। पेस्ट टर्न होता है, उसका कहता है सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ और तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ, ठीक है। बट वी पर आंट्स कहती हैं हम ना तो बोरो करते हैं, वी वांट्स ना कभी हम किसी से उधार लेते हैं ना कभी हम किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग, बट द वेदर वॉज वार्म, क्वाथ द क्रिकेट नॉट, ठीक है। क्वाथ का मतलब दे रखा है सेट, यहाँ पे आंट सेट करती है कि भाई जब तुम्हें कहा गया था कि तुम खाने को इकट्ठा कर लो, उस टाइम तुमने खाना क्यों इकट्ठा नहीं किया, तुम नाच रहे गा रहे थे, तुम उस टाइम इंजॉय कर रहे थे वेदर को। माई वो अब क्रिकेट कहता है कि माई हार्ट वॉज सो डिलाइट, मेरा दिल बहुत खुश था। दैट आई सिंग डे एंड नाइट, मैंने दिन रात गाया, मैंने खाने की परवाह नहीं करी, ठीक है। फॉर ऑफ चूंकि नेचर जो थी, जो वेदर क्लाइमेट था वो गे था, गे मतलब इट लाइक ए वेरी ब्राइट। यू सेंग सर यू से, ठीक है, वो कहती है उसको धक्का मारते तुम जाओ तुम गाना ही गाओ, ठीक है। गो देन सेज आंट एंड डांस द विंटर, तुम पूरी सर्दी गाना गाओ, तुम फुर्ती सर्दी गाना ही गाते रहो, नाचते रहो। इसके बाद ये पोम यहाँ पे एंड हो जाती है। लास्ट में ऑथर अपनी एक लर्निंग दे रहे हैं, लर्निंग ये कह रहे हैं दस एंडिंग ही हैसली लिफ्टेड द, फिर लिफ्टेड द विकेट। हैसली का मतलब होता है बेटा अर्जेंटली, ठीक है, वहाँ पे मार्क करते रहना कुछ, अभी मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख भी दूंगा। हैसली का मतलब होता है किसी भी एक मतलब किसी भी एक अर्जेंटली धक्का मार देना, तुम जाओ यहाँ से। And out of the door turn the poor little cricket fox call a fable, I'll warrant it true. Some cricket have four legs, some cricket have two. ठीक है, adapted from the Aesop fable. ठीक है, यहाँ पे लर्निंग लास्ट पैरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सफरिंग ये कह रहा है कि ऑथर कि एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, ठीक है, वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है, क्रिकेट को धक्का मार के बाहर निकाल देती है, ठीक है। फॉक्स कॉल दिस फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। कुछ जो अलग तरीके के लोग, ऑथर कहता है कि कुछ लोग कहेंगे कि ये एक फेबल है, बट इट्स एन ट्रू नेचर ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, बाद में दूसरे के बारे में सोचता है, इसलिए हम कहते हैं कि बेटा लर्निंग क्या कहती है, लर्निंग लास्ट पैरा ये कह रहा है कि अ पर्सन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर फ्यूचर। उसको आज का ना सोच के आने वाले कुछ समय के बारे में प्लानिंग, कुछ सेविंग करते रहनी चाहिए, ताकि उसको कोई ऐसा टाइम आए जब उसको बोरो करने की नीड ना पड़े, ठीक है। पर वो सिचुएशन कई बार हमारे पास ऐसी होती है कि इनकम इतनी होती नहीं है, सेविंग हम कर नहीं पाते हैं, हाँ या ना, ठीक है। पर लर्निंग पोएट ये कह रहे हैं कि दिस इज लाइक एन ट्रू, दिस इज नॉट अ फेबल, दिस इज जस्ट एन ट्रू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे एक आंट का यू नो क्रूएल नेचर भी दिखाया है कि वो चाहती तो उसकी हेल्प कर सकती थी पर उसने हेल्प नहीं की। और क्रिकेट की एक सिली नेचर दिखाई कि भाई वो चाहता तो उस समय कुछ खाना इकट्ठा कर लेता, अपने लिए शेल्टर बना लेता, पर उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे लर्निंग सिर्फ इतनी है कि पर्सन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर फ्यूचर। यहाँ तक आई होप आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आई हो, ठीक है। ऑथर आपके इसोप थे फ्रॉम द फेबल, एंड जिसके फेबल से एक ये पूरा पैरा लिया गया है, ठीक है। तो दिस ऑल, ठीक है, बस इसके बारे में आपके मैं कुछ आपको मीनिंग यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जिसको आप अपनी नोट डाउन कॉपी में कर लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हम बात करें तो हम यहाँ पे वी हैव सर्टेन मीनिंग्स, लाइक वी हैव लाइक यू कैन राइट डाउन, ठीक है, जहाँ हम लिख सकते हैं। एक बार को आप लिख लो स्टार्वेशन मैं आपको रफ कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्वेशन का मतलब होता है बेटा हिंदी में भूख, अ पर्सन हु इज डाइंग फॉर द हंगर, ठीक है। हंगर लिख लेते हैं,
ठीक है, स्टार्वेशन के बाद दूसरा लिखोगे क्या? अकस्टम्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आपसे पूछा भी जाएगा अकस्टम्ड का, अकस्टम्ड का मतलब होता है हैबिट ऑफ सिंगिंग डे एंड नाइट। ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फॉर योर हेल्प। ठीक है, अकस्टम्ड के बाद थर्ड पॉइंट लिखोगे आप ड्रिपिंग, लाइक फुल वेट, मतलब पूरा गीला हुआ हुआ। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हो माउथफुल। माउथफुल ऑफ ग्रेन का मतलब होता है बेटा अ फूड सफिशिएंट फॉर द इंसेक्ट। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए फूड सफिशिएंट फॉर इंसेक्ट्स। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा नहीं। ठीक है, सो दैट्स ऑल लाइक इन पोम फॉर दिस फॉर योर क्लास। ठीक है, द वेरी बेस्ट। और कोई भी आपको अगर डाउट होता है, ठीक है, यू कैन जस्ट पिंग मी एंड व्हाट्सएप मी इन द सेम इन द कमेंट, और इफ यू हैव एनी डाउट ऑल्सो यू कैन द सेम थिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल इंग्लिश का, अंग्रेजी का अड्डा। थैंक यू सो मच।